हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स और यहाँ पे मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा Redmi Note 5 की। प्रो नहीं है ये, Redmi Note 5 है ओनली। इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे मेरे को ये फर्स्ट सेल में बुक हो गया और मिल गया मुझे। तो पूरी मैं आपको पहले अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ डिटेल कैसे मेरे को ये फर्स्ट सेल में मिल गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा Redmi Note 5 जो कि अभी अभी मेरे पास आया है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इसके सामने से इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बॉक्स के, और यहाँ पर लिखा गया है Redmi, साइड में Redmi Note 5, इधर भी साइड में Redmi Note 5। एंड इसकी बैक की हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, नीचे Redmi Note 5 लिखा है और ये सब फीचर वगैरह लिखे हैं। 3GB 32GB वाला वेरिएंट मैंने मंगाया है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, यानी कि ये इंडिया में ही बना हुआ है। और ये सब यहाँ पे आपको इसके पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। तो हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके सील ब्रेक करते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है, मोबाइल ही मिलता है या फिर और कुछ मिलता है। तो हम यहाँ से साइड से इसको इस तरह से, इसकी जो रैप है ये प्लास्टिक का रैप है, ये निकालते हैं इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रैप इसका निकल गया है। अब इसमें यहाँ पे हमें एक सील मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है पूरा पैक। इससे पता चलता है कि ये पूरा पैक था, और एक और यहाँ पे हमें सील मिलती है। तो हम दोनों सील जो है ये ब्रेक करेंगे, और ये हमने यहाँ से एक सील ब्रेक कर दी और यहाँ से दूसरी वाली, और फिर हम इसको इस तरह से इसको यहाँ से सीधे से ओपन करेंगे। एंड ओके, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको ये देखने को मिलता है, ये कुछ पाउच है, इसको रखते हैं साइड में। और ये आता है हमारा फोन, काफ़ी बड़ा लग रहा है इस तरह से, ये स्लिम है। उसकी बैक की बात करें तो यहाँ पर ये कैमरा, ये फ्लैश वगैरह आपको देखने को मिलती है। इसमें हम बाद में बात करेंगे, पहले एसेसरीज देख लेते हैं क्या आती है। इसको हम रखते हैं साइड में। और ये आपको यहाँ पे एक पाउच मिलता है, और यहाँ पे आपको कवर भी मिलता है साथ में, वेरी गुड। मैंने तो कवर ऑर्डर कर दिया था, कैंसिल करना पड़ेगा उसको। तो आपको ये हल्का सा कुछ कवर मिलता है, ज़्यादा ये यू नो इतना जो है यहाँ पे हैवी नहीं मिलता है। इसमें हम लगाएंगे तो देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। ये आपको कवर मिलता है, सबसे अच्छी बात है कि इसका कवर मिलता है, सॉफ्ट सिलिकॉन कवर है। इसको हम रखते हैं साइड में वापस से इधर, और इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है। और जो मैनुअल आपको यूज़र मैनुअल मिलती है दो, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और आपको मिलती है एक नॉर्मल सी USB केबल, जो कि नॉर्मल USB केबल जैसे आपको पता ही है, नॉर्मल USB केबल मिलती है। और साथ में हम बात करें तो एक यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर ये पिन है, ये भी मिलती है। और ये बॉक्स काफ़ी समय से पड़ा था इस तरह से, तो इसमें कुछ ऐसा लग गया है आई थिंक। और ये जो है हमारा चार्जर है, और चार्जर की हम बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, लिखी है यस 5W 2A का चार्जर है। फास्ट चार्जर नहीं है, 2A का चार्जर है, नॉर्मल चार्जर है, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा अच्छा है। तो इस तरह का आपको चार्जर मिलता है। अब हम बात करते हैं फ़ोन की, सबको हटाते हैं साइड में और हम फ़ोन की बात करते हैं। जैसे कि इस तरह से आपको ये फ़ोन मिलता है, यहाँ पे हम इसको फ़ोन के आगे की हम बात करें तो इस तरह की आपको डिस्प्ले मिलती है। ऊपर की बात करें तो अभी 3.5mm का जेक आपको मिलता है, आई आर ब्लास्टर मिलता है, दो शायद आई आर ब्लास्टर मिलते हैं, ये शायद सेकेंडरी माइक है और ये आई आर ब्लास्टर है। उसके बाद हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिलते हैं, और एक माइक्रोफोन मिलता है, और एक USB नॉर्मल जो USB टाइप पोर्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साइड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है यहाँ पर, और इस तरफ आपको कुछ सिम आपको यहाँ पे जो पोर्ट है वो देखने को मिलता है। हम सिम इजेक्ट करके देखते हैं, हमारे सिम इजेक्टर ये रहा यहाँ पर, हम यहाँ पे इसको सिम इजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, या तो दो सिम लगा सकते हैं, या फिर एक मेमोरी कार्ड, या फिर एक सिम लगा सकते हैं। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आपको यहाँ पे,
तो इसको हम डाल देते हैं अंदर और हम साथ में इसको इसको फर्स्ट बूट करते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से ही आपको फर्स्ट बूट का एक्सपीरियंस मिलता है, थोड़ा टाइम लेता है ये चालू होने में। नीचे वाली लाइन आ गई, ओके। MIUI 9 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और नीचे लिखा आता है फास्ट लाइटनिंग फास्टर। हम नेक्स्ट करते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले डिस्प्ले की जो साइज़ है वो काफ़ी यहाँ पे जो है बेटर है। 18:9 की यहाँ पे साइज़ है, नॉर्मल जो 16:9 वाले फ़ोन आते हैं उनसे थोड़ी बड़ी है ये और राउंडेड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लोज करके बताता हूँ आपको, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे राउंडेड जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो राउंडेड आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है और इस तरह से यहाँ पे आपको फ़ोन जो है वो पूरा देखने को मिलता है। तो मैं फटाफट से इसको सेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट बूट में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे ये Redmi का नोट 5 है, प्रो नहीं है, तो कुछ डाउनलोड भी करने लग गया है और यहाँ पे कुछ अपडेट्स भी आए हैं और यहाँ पे हमको एक अपडेट भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है ये वाली, और अपडेट क्या है वो हम देख लेते हैं। MIUI 9.2.60 यहाँ पे Redmi की स्टेबल अपडेट अवेलेबल है जो कि 1.5 GB की है। इसमें कुछ बग फिक्स किए हैं और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी का इसमें कुछ किया है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ इसमें क्या क्या सेटिंग में आपको देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर अबाउट फोन में, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉइड का 7.1.2 आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम नीचे बात करें तो 3 GB रैम है और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज जो है वो 32 GB में से आप 23 GB ही अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी सब जो नॉर्मल फ़ोन में आते हैं वो सिस्टम अवेलेबल मैंने बता दिया आपको, वो चल रहा है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपको सब कुछ जो MIUI 9 में आपको जो मिलता है वही इसमें जो है फंक्शंस आ रहे हैं। बाकी फ़ोन्स हैं, हम इसके कैमरा थोड़े कम जो है देख लेते हैं। इसके को जो अभी आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये इसके पोर्ट्रेट मोड में ली गई है और थोड़ी लो लाइट में ली गई है, इंडोर ली गई है। उसके बाद हम दूसरी पिक्चर की बात करें तो ये बाहर में ली गई है, बाहर आउटडोर ली गई है पोर्ट्रेट मोड में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है बिना पोर्ट्रेट मोड की नॉर्मल पिक्चर जो कि इसके जो भी इमेज बता रहा हूँ अभी मैं, ये सारे रियर कैमरे की यानी कि बैक कैमरे की है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे सेल्फी कैमरे से ली गई है बिना पोर्ट्रेट मोड के नॉर्मल जो इमेज होती है वो जो इनडोर की। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट मोड ली गई है सेल्फी आउटडोर, तो ये सारी आपको इमेज यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो की बात करें तो इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिलता है और साउंड भी इसी तरह का आपको देखने को मिलता है Redmi Note 5 में। ये आगे का कैमरा है इसका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैश के साथ, ये फ्लैश के साथ आपको देखने को मिलता है आगे का कैमरा। बैक कैमरा इस तरह का देखने को आपको मिलता है जो कि है 12 MP का। तो ये वॉइस भी आप उसी के Redmi Note 5 की सुन रहे हैं और यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वीडियो वो भी आपको Redmi Note 5 का ही है। और ये इंडोर है, यहाँ पे मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर में ज़्यादा अच्छा आ सकती है इसकी क्वालिटी, इंडोर की बात कर रहा हूँ। और वो विदाउट एनी लाइटिंग जो नॉर्मल लाइट रहती है हमारे कमरे में जो रूम में उस तरह की आपको लाइटिंग दे यहाँ पे रूम में है और लो लाइट है एक तरह से हम बात करें तो ये वीडियो इंडोर की है विदाउट एनी लाइटिंग एक्स्ट्रा लाइटिंग। फ्लैश चालू करने के बाद इस तरह का आपको कुछ वीडियो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो कैमरे की क्वालिटी है बाकी सब तो ठीक है, जो कैमरे की आपको क्वालिटी मिलती है इंडोर में यानी कि जो हम नॉर्मल हम घर में जो लाइट यूज़ करते हैं उनके साथ आपको कैमरे की क्वालिटी मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती। हाँ अगर आप बाहर जाते हैं कहीं जो जहाँ पे लाइट नॉर्मल लाइट रहती है वहाँ पर हम शूट करते हैं या फिर फोटो कैप्चर करते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। फ्लैश भी इतनी कोई खास नहीं है इसकी ताकि आप जो वीडियो अच्छे से शूट कर पाएं, यहाँ पे मैंने आपको सब कंपेरिजन बता दिए हैं। दोस्तों एक और खास बात इसकी है मुझे अच्छी लगी कि इसमें हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो रेयर कैमरा है उससे 4K रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये है पूरा फ़ोन, मुझे उम्मीद है आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे फर्स्ट सेल में मिला। फर्स्ट सेल में क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट में क्या हुआ 10 सेकंड पहले ही ये सेल जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने क्या किया एक्चुअली 10 सेकंड पहले मैं रिफ्रेश कर दिया पेज को, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो वहाँ पे आ गया एड टू कार्ट।
और जैसे 8 to cut आया, मैंने 8 to cut कर लिया, उस टाइम पे बिल्कुल रश नहीं था, तो मेरा फोन जो है वो बुक हो गया। मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करूंगा कि इसका अगर आप कैमरा देख के ले रहे हैं तो नोट 5 का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। अच्छा कब होगा, जब आप इसको आउटडोर शूट करेंगे, यानी कि अब मैं बात करूँ इनडोर की, इनडोर में नॉर्मल लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं, कुछ भी वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर फोटो शूट कर रहे हैं विदाउट फ्लैश, तो इतना अच्छा आपको कैमरे की क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे नॉइस काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा। लाइट, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है, लाइट सेटअप अच्छा है, तो इनडोर में भी आपको काफ़ी हद तक एक जो है फुटेज अच्छी मिल सकती है। बट अगर मैं बाहर की बात करूँ, तो मैंने आपको कुछ सैंपल बताए हैं वीडियो फोटोज वगैरह के, तो वहाँ पे आपको जो है आइडिया आ गया होगा किस तरह से आपको कैमरे की क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा आपको रेयर देखने को मिलता है, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हुई है। ये वो रेडमी का नोट 5 ही है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, उसी का माइक है। तो इस तरह से ये पूरा जो माइक और वीडियो आपको देख ही पा रहे हैं आप क्वालिटी दोनों की। फ्रंट का जो मैं कैमरा क्वालिटी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो आप इस बजट में, 10,000 का आपका मैक्स बजट है, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकता है, आप ले सकते हैं। लिंक दिन दे रहा हूँ मैं नीचे आपको एफिलिएट वगैरह की, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, सेल है नेक्स्ट 28 फरवरी को, आप जाके उसको जो है परचेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो मैं आपको देता हूँ इस चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उसके जरिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोज़ की लिंक यहाँ पे आ रही है, आप लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।